संप्रदाय जो चार बताए वो वैष्णव के चार संप्रदाय बताए। टोटल संप्रदाय ये तो एक ही आता है, ये वैष्णव के चार संप्रदाय एक ही है। जैसे उंगलियां कितनी, चार, अब कितनी होगी, पांच, लेकिन हाथ तो एक ही है ना, हाथ तो पांच नहीं, ऐसी पांच संप्रदाय है। एक है शैव संप्रदाय, एक है शाक्त संप्रदाय, एक है गणपत्य संप्रदाय, एक है वैष्णव संप्रदाय, एक है हो गया ना सौर्य संप्रदाय। ये पांच संप्रदाय हैं, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, सूर्य संप्रदाय, गणपत्य संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय। कितने हो गए, पांच। अब ये एक जो संप्रदाय है, क्या बोलते हैं इसको, वैष्णव संप्रदाय, इस एक वैष्णव संप्रदाय में चार संप्रदाय है। कौन से एक में चार, कौन कौन से, जो मैंने कल बताया था, समझ गए बात को। उसमें एक हमारा निम्बार्क संप्रदाय है, गोड़िया संप्रदाय, बल्लभ कुल संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय जो है, और रामानंद रामानुज संप्रदाय। ये चार संप्रदाय जो मैंने कहा चार चार ही होते हैं, लेकिन ये वैष्णव संप्रदाय की बात हो रही है, शैव की नहीं। जैसे वैष्णव में चार संप्रदाय, ऐसी शैवों में भी कई संप्रदाय हैं, उन्हीं में एक गोरक्षनाथ संप्रदाय है, समझ गए ना बात को। तो मैंने जो कल बात की, मैंने वैष्णव संप्रदाय के बारे में बात की। वैष्णव संप्रदाय कहते हैं विष्णु और उनके अवतारों के जो संप्रदाय हैं, विष्णु या विष्णु के अवतारों के जो पूजा पद्धति अनादि काल से चल रही है, उसको कहते हैं वैष्णव संप्रदाय। ऐसी शैव संप्रदाय है, शैव संप्रदाय में भी कितने हैं, उसमें अघोरी हैं, नाथपंथी हैं, बहुत संप्रदाय हैं। ऐसी शाक्त में भी बहुत संप्रदाय है, ऐसी गणपत्य में भी बहुत संप्रदाय है, ऐसे सौर्य में भी संप्रदाय में बहुत संप्रदाय है। संप्रदाय का अर्थ समझो क्या, जहां जिनकी दीक्षा परमात्मा से शुरू हुई है और जो परंपरा चलती आ रही है उसको संप्रदाय बोलते हैं, और जो बीच में ही मनगढ़ंत दीक्षा दे दी उसका नाम संप्रदाय नहीं हो सकता। जिसका बाप 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 बाप, उसको क्या कहेंगे, वंश परंपरा। क्या कहेंगे, अगर कहीं से भी अवैध संतान हो गई तो, लड़का लड़की मिल गए, कोई शादी नहीं ऐसी, या बलात्कार हो गया किसी का और उससे संतान हो गई, उसको नहीं बोलेंगे किस संप्रदाय का, किस परंपरा का, कौन से खानदान का, खत्म। उससे फिर वो श्राद्ध तर्पण भी नहीं लगेगा उनका दिया, लुप्त पिंडोदक क्रिया। यदि परंपरा समाप्त होगी, बिना परंपरा के कहीं कोई पैदा हो गया, उसके हाथ का पिंडदान नहीं लगता। तो इसी प्रकार कलयुग में कुछ तो संप्रदाय है, संप्रदाय से दीक्षा लेनी चाहिए। चाहो शैव शिव की शिव भगवान की आराधना करने, तो शैव संप्रदाय की से दीक्षित होना चाहिए। शैव संप्रदाय का मतलब जो मंत्र परमात्मा शिव से प्रारंभ हुआ है। शैव संप्रदाय के जितने मंत्र हैं शंकर जी से या शंकर जी के विविध अवतारों से शुरू होते हैं। सूर्य मंत्र सूर्य भगवान से प्रारंभ होता है, सूर्य संप्रदाय। गणपत्य संप्रदाय गणेश जी से प्रारंभ होता है, सर्वप्रथम दीक्षा अपने मंत्र की गणेश जी ने प्रकट करके दी। दुर्गा जी की शैव शाक्त संप्रदाय में भगवती दुर्गा जी प्रथम मंत्र प्रदान करते हैं, उससे जो आज तक चला आ रही परंपरा उसको कहते हैं संप्रदाय। अब उत्तर मिल गया आपको, हाँ अब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। अब उनका प्रश्न है, जैसे हम मान लो वैष्णव संप्रदाय से हैं, क्या हम शैव संप्रदाय वाली पूजा कर सकते हैं? जैसे मैं स्वयं, आपने देखोगा कल भी और आज भी देखेंगे, मैं शंकर जी की सेवा करने जाता हूँ रोज, और शंकर जी की उपासना तो शैव संप्रदाय करता है, हम वैष्णव हैं, समझिए बात। तो एक संप्रदाय का व्यक्ति क्या दूसरे संप्रदाय की उपासना कर सकता है? इसके दो उत्तर हैं। पहला उत्तर है कि करने की जरूरत ही नहीं है, उसी से कल्याण हो जाना है। जो जिस संप्रदाय का है उसी संप्रदाय का मंत्र, उसी संप्रदाय की उपासना, क्योंकि मंत्र वहां से मिला भगवान से, मूल में तो भगवान ही सबके गुरु हो गए। तो वो संप्रदाय में चल के शैव शिव को प्राप्त करना चाहे तो शैव संप्रदाय में दीक्षित होकर शिव को प्राप्त करोगे। तो वैष्णव की पूजा करने की जरूरत ही क्या पड़ी, उसी से कल्याण। जो वैष्णव है उसको शाक्तों की गणपत्य की सौर्य की या शैव की उपासना करने की आवश्यकता नहीं, कल्याण उसी से हो जाना है।
नहीं, मैंने कहा ना दो प्रश्न उत्तर है, पहला अभी पहला उत्तर दे दूं ढंग से, मैं फिर दूसरा उत्तर भी दूंगा। तो किसी को भी किसी संप्रदाय की नकल करने की या उस संप्रदाय की उपासना करने की आवश्यकता होती नहीं, कल्याण तो अपने संप्रदाय से हो ही जाएगा, तो जरूरत क्या दूसरी जगह जाने की, पहला उत्तर। दूसरा बात, कई बार कथाएं सुन सुन करके हमारा हृदय ट्रांसफर हो जाता है दूसरी भावना में, जैसे शंकर जी की भक्ति करते हैं, शैव संप्रदाय से दीक्षा भी ले ली लेकिन भागवत भक्त माल कथा सुन सुन के कृष्ण से प्रेम हो गया, है ना। अब ऐसी स्थिति में क्या करें, तो संप्रदाय बदल सकते हैं, कोई दोष नहीं, क्योंकि परमात्मा एक, वही शिव है, वही राम है, वही कृष्ण, वही दुर्गा, वही सब कुछ वही है, इसलिए इसको बदला नहीं कहते। तो भाव परिवर्तन हो गया, और भाव तुमने बदला नहीं हो तो कथा सुन सुन के भाव अपने आप ही बन गया, तो भाव परिवर्तन होने से संप्रदाय परिवर्तन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है, कोई अपराध नहीं है, गुरु बदल सकते हैं। देखो एक मिनट, इच्छा बदला नहीं जा सकता है, आप बैठे, बदल कैसे देंगे? ठीक है, अब देखिए, रामानंद संप्रदाय से दीक्षित थे नंददास जी, राम जी के भक्त थे और वृंदावन में आ गए, यहाँ कथाएं सुन सुन के संतों का संग कर कृष्ण के रंग में रंग गए और कृष्ण मंत्र की दीक्षा ले ली, समझना बात को, राम मंत्र के जगह अब कृष्ण मंत्र जपने लगे, राम पूजा की जगह कृष्ण पूजा करने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी आए, देखा नंददास को कि राम का चित्रपट नहीं, हमारी परंपरा में वैष्णव की एक परंपरा है रामानंद संप्रदाय, हमारे संप्रदाय में तो राम उपासना राम मंत्र और ये तो कृष्ण मंत्र और कृष्ण की उपासना, ये कैसे। तो तुलसीदास जी ने नंददास जी से कहा कि क्या कमी रघुनाथ की जो कुल की तोड़ी कान, तो उत्तर दिया कि मन वैराग हो गया सुन बंसी की तान, भाव बदल गया, भाव बदलते फिर अपना मंत्र बदल गया, पूजा बदल गई, वही राम तो कृष्ण तो बदला कहा, वही राम कृष्ण तो बदला कहा, आपने तो बात कर दी। एक स्त्री हर रोज उसकी पत्नी साड़ी लगाती, आज पहली बार उसने सूट पहना, पति ने कहा बहुत पसंद आई, बहुत अच्छा लगा, बड़ी सुंदर, पसंद कर लिया। अब पत्नी नाराज, आपने तो पत्नी ही बदल दी, पहले आप साड़ी वाली से प्यार करते थे, अब सूट वाली से करने लगे, आपकी तो दो दो पत्नियां होगी, ये तो फिर बेवकूफी। अरे दो कहां, जो साड़ी में थी वही सूट में, वो तो खुद तो एक ही है, तो बदला कहां। पहले शिव जय, पहले डमरू जटाधारी बन के आगे ठाकुर मन शंकर जी, अब प्रेम हो गया कृष्ण से, तो शंकर जी ने क्या किया, जटा की जगह सिल्की सिल्की बाल बना ली, जटा खोल दी, शैंपू लगा लो, और डमरू को छोड़ करके बंसी लगा ली, भस्म की जगह चंदन लगा लिया, बाग की जगह पीतांबर धोती, वही तो ठाकुर जी, अलग थोड़ी शंकर जी हैं। तो है बदलना कुछ नहीं, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, परमात्मा दो है ही नहीं, बदले किसको। हाँ उसके रूप अनेक है, लीला अनेक है, तुम्हारी पत्नी कभी सूट में है तो कभी साड़ी में है तो कभी लहंगे में, कभी किसी रूप में है। अब दुल्हन के रूप में तुमने एक बार देखी, तुम्हारा विवाह किससे हुआ था, लेकिन उसके बाद वो रूप कभी देखा, बदल गया रूप, और फिर पत्नी वाला भाव भी नहीं रहा, अब पत्नी वाला भाव भी बदल गया, क्या भाव आ गया, मेरे बच्चे की मां है, बदल गया रूप भी बदल गया। अब थानेदार थाने बैठा, कितना वही थानेदार से घर घर में आता है, आते उसका रूप रंग स्वभाव भी बदल जाता है, नहीं। तो ऐसी परमात्मा ऐसे बड़े आर्टिस्ट हैं, नटवर नटराज जो कहलाते हैं, वो जैसा भगत का भाव वैसे रूप बना लेते हैं, परमात्मा एक दो चार नहीं है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, तो बदलना क्या है। हाँ रूप रंग बदल गया, हमारी पत्नी ने ड्रेस रूप रंग बदल दिया, मेकअप करे तो अप्सरा लगती है, बिना मेकअप के चुड़ैल, अब उसका रूप रंग बदला है तो वही समझ गए ना, है तो वही। और कई बार होता ना, पत्नी कोई यानी कोई मेकअप करके सिंपल जैसे हर रोज वैसे, पति बोला जब ड्यूटी से, आज तो फलानी लग रही है, नाम नहीं लेंगे, किसी हीरोइन का नाम दे दिया, जो ही कहा प्रशंसा की, पत्नी समझ गई, पत्नी का ना पोते लगता आज फिर शराब पी के आ गया, दीक्षा तो बदल ही नहीं सकते, क्यों पत्नी ड्रेस नहीं बदलती या पत्नी का नाम नहीं बदलता,
घर में पत्नी का नाम रूपा था, अब स्वरूपा कर दिया। मायके में कुछ और नाम, ससुराल में कुछ, होता कि नहीं? नाम भी बदलता है, रूप भी बदलता है, स्वभाव भी बदलता है, सब कुछ बदल जाता है। जब एक इंसान के नाम इतने बदल जाते हैं, उसके रूप रंग बदल जाते हैं, जैसे तुम बच्चे थे वैसे जवान थे क्या, क्या वैसी बुढ़ापे में रूप रंग रहेगा? सब कुछ बदल जाता है। परमात्मा भी अपने भक्तों के लिए नाना प्रकार के रूप रंग बदल लेते हैं, और भक्त भी परमात्मा के नाम तक बदल देते हैं, दीक्षा तक बदल देते हैं, नाम भी भगवान के बदल देते हैं। भगवान का नाम गोपाल है, हमारे दिल्ली में एक भगत जी हैं, उन्होंने अपने ठाकुर जी का नाम क्या रखा? गोपू। नाम है ठाकुर जी गोपाल, और कहते क्या है? गोपू। अब गोपाल नाम वो जपते हैं, अब चाहे गोपू नाम जपे, दोनों का एक ही फल है। नाम बदल गए, नाम तो उसी का है ना, रूप रंग नाम सब बदल जाते हैं भगवान के भक्तों के भाव के अनुसार। इसलिए कोई दोष नहीं दीक्षा बदलने में, कोई दोष नहीं। हाँ, भाव चेंज हुए बिना कहीं दीक्षा बदल रहे हैं तब अपराध है। भाव चेंज हुए बिना कहीं दीक्षा बदल रहे हैं तब अपराध है। जैसे कृष्ण के प्रति हमारा भाव है और हमने कृष्ण मंत्र की दीक्षा ले ली, समझे ना? तो कृष्ण के तो बहुत मंत्र हैं, जैसे एक मंत्र कलिम कृष्णाय नमः, ये भी कृष्ण मंत्र। मान लिया हमने कृष्ण मंत्र लिया, और फिर अब मन में आया अरे वो दूसरे वाला मंत्र गोपी भावला, वो मंत्र करेंगे कृष्ण का, ये नहीं वो करेंगे, अब अपराध पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा भाव तो चेंज नहीं हुआ। अब पहले भी कृष्ण भक्त थे, अब भी कृष्ण भक्त, तो कृष्ण मंत्र क्यों बदल रहे हो? जो तुमको दीक्षा में मिला गुरुदेव ने कृपा पूर्वक जो भी मंत्र कृष्ण का दिया, वो मंत्र क्यों बदल रहे हो? हाँ, कहीं तुम्हारा भाव चेंज हो जाए कि पहले सख्या भाव की उपासना थी, कलिम कृष्णाय नमः मंत्र जपते थे, अब निकुंज की कथा सुन सुन के गोपी भाव आ गया, हाँ अब मंत्र बदल सकते हैं, अब वो सख्या भाव वाला मंत्र ना करके अब गोपी भाव वाला मंत्र अब ले सकते हैं, अब कोई दोष नहीं होगा। तो दीक्षा का मंत्र भी बदल सकते हैं, कब? जब भाव परिवर्तन हो जाए, कथाएं सुन सुन के भाव परिवर्तन हो जाए, नहीं तो जिसका जो इष्ट देव है उसी से सब काम हो जाने, किसी और इष्ट देव की आवश्यकता नहीं। अब आप प्रश्न करेंगे कि आपके तो दो दो हो गए, आप कृष्ण को मानते हैं, शंकर जी को मानते हैं, क्योंकि मैं डेली पूजा करता हूँ शिव की। तो इसका उत्तर है कि मैंने अपने इष्ट के रूप में श्री कृष्ण को ही माना, शंकर जी को मैं भगवान न मान करके अपना गुरु मानता हूँ, हैं तो भगवान ही, लेकिन मैं किस भाव से पूजा करता हूँ? भगवान के भाव से पूजा नहीं करता, मेरे गुरुदेव भगवान हैं, गुरु तत्व हैं, गुरु रूप में मैं भगवान शिव की आराधना करता हूँ। मैं वैष्णव, लेकिन शैव मत के अनुसार भी मैं शंकर जी की उपासना करता हूँ। तो ऐसे मेन बात जो है, संप्रदाय कहते किसको, ये मैंने आपको बताता हूँ। जो भगवान से प्रारंभ होता है शैव संप्रदाय, भगवान प्रथम मंत्र किसने दिया? शैव मंत्र शंकर जी ने दिया है, गोरक्षनाथ, गोरख संप्रदाय। जिस संप्रदाय से संत से संप्रदाय का विस्तार हो, संप्रदाय उसी संत के नाम से रजिस्टर्ड हो जाता है, जबकि मूल में संप्रदाय की शुरुआत होती है भगवान से। सूर्य संप्रदाय की उपासना प्रारंभ संप्रदाय का हुआ सूर्य से, शक्त संप्रदाय का प्रारंभ हुआ दुर्गा जी से। इसी प्रकार से वैष्णव मंत्र है, वैष्णव संप्रदाय का प्रारंभ हुआ भगवान से। तो निम्बार्क संप्रदाय का प्रारंभ हुआ हंस अवतार से, 24 अवतारों में, और इसी प्रकार रामानंद संप्रदाय का उद्गम स्थल है स्वयं भगवान राम। ऐसे ही रामानुज संप्रदाय चला है भगवान विष्णु से। तो मंत्र जहां से चला है शुरुआत, उस मंत्र को जप करने वाला अंत में वहीं पहुंच जाएगा जहां से मंत्र प्रारंभ हुआ, इसलिए इसको संप्रदाय कहते हैं, परंपरा कहते हैं। अब शायद कभी आप इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं करेंगे, हो सकता आपको हर प्रश्न का उत्तर मिल गया।